हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू होप सो यू आर फाइन नाउ लॉकडाउन के दौरान यू हैव टू स्टे एट योर होम और इन्जॉय करिए स्ट्रेस फ्री रहिए और मैथ्स करिए अगर कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए सो क्लास नाइन्थ चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल्स लास्ट टॉपिक अल्जैब्रिक आइडेंटिटीज A very first identity A plus B whole square which is A square plus B square plus 2AB. Second identity A minus B whole square A square plus B square minus 2AB. Third identity A square minus B square A plus B A minus B. Identity number 4 X plus A X plus B. X is a common here. एक्सकेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी मल्टीप्लाई में है आइडेंटिटी नंबर फाइव ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए आपको ऐसे नहीं बोलना ए टू बी टू नो दिस इज द रोंग वे ए स्केयर बी स्केयर आइडेंटिटी नंबर सिक्स A plus B whole cube not A plus B 3. A plus B whole cube which is A cube plus B cube plus 3 A square B plus 3 A B square. Identity number 7. A minus B whole cube A cube minus B cube minus 3 A square B plus 3 A B square. Identity number 8. X cube Y cube plus Z cube minus 3xyz is equals to x plus y plus z. There is a separate bracket. Bracket start again. x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. So firstly you have to learn all 8 identities. After that you can do NCRT exercise 2.1. A very first question. Question number 1. Use सुटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोविंग प्रोडक्ट्स आपको आइडेंटिटीज पहले चेक करनी है फिर आपको इसका प्रोटेक्ट करना है लाइक like, आपके पास अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टेन तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि एक्स जो है वो सेम है और फोर और टेन कॉन्स्टेंट है वो चेंज हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है प्रॉपर्टी नंबर फोर चेक करिए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी में ये प्रॉपर्टी है जिसमें ए और बी चेंज होते हैं x विल remain सेम the answer is a square plus a, sorry x square plus a plus b into x plus ab. so x is same, x सेम एक्स का स्केयर हो जाएगा what is a? a is फोर what is b? b is टेन फोर प्लस टेन साथ में क्या लगा हुआ एक्स आपका भी इधर एक्स ही है तो आप भी एक्स ही लिखोगे अगर यहाँ पर टू एक्स होता तो यहाँ भी टू एक्स आता ठीक है जो एक्स है वो आएगा इधर उसके बाद ए प्लस बी वट इज ए ए is फोर वट इज़ बी बी एज टेन फोर फोटा फोर्टी टेन प्लस फोर फोर्टीन एक्स स्र का एक्स स्यर एज एट इज आ गया यहाँ तक किसी को कोई ट्रबल है तो आप बता सकते हो नाओ नेक्स्ट है यहाँ पर सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट में क्या है एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला आ गया तो फॉर्मूला विल रिमेन सेम फार्मूला चेंज नहीं होगा जहाँ पर आप प्लस बी करते थे वहाँ माइनस बी करते ना आप तो क्या बन जाएगा एक्सक्र दिस इज एक्सक्र एट माइनस टेन लाइक एट इज ए एंड टेन इज बी एट माइनस टेन इंटू एक्स माइनस ए इंटू बी या आप ऐसे भी बोल सकते हो आप फॉर्मूला सेम ही रखो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का फॉर्मूला रखो फॉर्मूला क्या था वो वाला एक्सक्र था फिर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स था फिर प्लस ए यही फॉर्मूला था ना आप ऐसे ही रखो बस चेंज क्या करो जहाँ पर आपके पास एक्स क्य एक्स क्य a इज़ एज एट वट इज़ बी बी इज माइनस टेन तो ये चीज़ आ जाएगी वट इज़ ए एज एट वट इज़ बी बी इज माइनस टेन तो वट डज इट मीन्स एक्स क्य माइनस टू एक्स माइनस एटा एटीन प्लस माइनस माइनस तो ये क्या बन जाएगा एक्स क्यर माइनस टू एक्स माइनस एटीन चेक करिए आंसर सेम है नाउ थर्ड थर्ड में क्वेश्चन में क्या है एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स तो सेम है ना यहाँ चेक करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है कि एक्स जो है वो सेम है एक्स कितना है थ्री एक्स है तो लगाइए प्रॉपर्टी थ्री एक्स का होल के वो कितना अच्छा एक चीज़ और है वो मैंने इधर करा है थ्री एक्स का होल्स के लिया गया उसके बाद ए माइनस बी मैंने तो प्लस ही करा लेकिन बी माइनस का था तो माइनस फाइव आ गया इन टू एक्स आपको डायरेक्ट एक्स नहीं लगाना जो आपके पास एक्स है वहाँ पर थ्री एक्स है ना तो आपको यहाँ पर थ्री लगाना है थ्री एक्स सो माइनस वन इधर से आ गया बिकॉज़ फोर में से फाइव गए तो माइनस वन होता है और साइन जो बड़े के साथ होता है यहाँ पर माइनस का साइन है बड़े के साथ तो माइनस आएगा फिर थ्री एक्स से मल्टीप्लाई हो गया एंड प्लस माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई में है फाइव फोर हज़ार ट्वेंटी आ जाएगा दिस इज़ द राइट वे अगर वो कहे कि आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है ये भी राइट right वे है लेकिन यहाँ पर कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं करी स्टूडेंट्स क्या करते हैं ये वाला मैथड कर देते हैं लेकिन पेपर में लिखा होता है कि आइडेंटिटी यूज़ करो ये तो कोई आइडेंटिटी नहीं हो ये तो मल्टीप्लाई हुआ कि थ्री एक्स को पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया फिर फ़ोर को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया आंसर तो सेम रहेगा लेकिन ये विदाउट आइडेंटिटी है क्वेश्चन में अगर आइडेंटिटी ना पूछी गई हो तब आप ये कर सकते हो लेकिन अगर आइडेंटिटी के साथ बोला गया हो तो आप ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कर सकते ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके पास वाई स्केयर प्लस थ्री बाई टू वाई स्केयर माइनस थ्री बाई टू अब इसकी आइडेंटिटी क्या है ये भी लग सकती है एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी वाली बिकॉज एक्स तो सेम है ना वाई स्केयर अगर ये नहीं लगानी तो दूसरी हमारे पास आइडेंटिटी है इसको ए मान लो ए प्लस बी इसको बी मान लो ए माइनस बी तो ये कौन सी आइडेंटिटी होती है ए स्केयर माइनस बी स्केयर की इसमें ए क्या है आपके पास वाई स्केयर है बी क्या है आपके पास यहाँ पर थ्री बाई टू है अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है ए स्केयर ए स्केयर ये तो ऑलरेडी ए था वाई स्केयर ठीक है ना उसका स्केयर करा है टू टू ज़ा फोर हो गया उसके बाद बी स्केयर माइनस का साइन है माइनस लगा दिया बी थ्री बाई टू इसका स्केयर थ्री थ्री ज़ा नाइन टू टू ज फोर इज गेटिंग द आंसर अगर इसमें कोई ट्रबल आपको आती है तो आप इजली पूछ सकते हो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आप फिफ्थ पार्ट है विच इज द लास्ट पार्ट थ्री माइनस टू एक्स थ्री प्लस टू एक्स अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ तो आप एक्स प्लस ए का लगा सकते हो लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों ही सेम है एक्स भी सेम है तो बेटर है कि ये फॉर्मूला एक और भी है ए माइनस बी और ए प्लस बी द फॉर्मूला इज़ ए स्केयर माइनस बी स्केयर एंड a इज़ थ्री का स्केयर b इज़ टू एक्स का स्केयर थ्री का स्केयर नाइन होता है एंड टू टू इज फोर होता है और x का भी तो स्केयर करना है ना तो x का स्केयर करा तो एक्स स्केयर आ गया फोर एक्स स्केयर माइनस का साइन है दिस इज गेटिंग द आंसर अब आपके पास